हे गाइस, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। और आपकी स्किन में अगर आप सीटीएम कर रहे हो तो टोनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये आपको अपने फेस को क्लींस करने के बाद अप्लाई करना होता है। यहाँ पे मैं आपके साथ गुड वाइब्स का ग्रीन टी ग्लो टोनर का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। 120 ml इसकी क्वान्टिटी है, 195 rupees प्राइस है, 2 ईयर्स इसकी जो है शेल्फ लाइफ है, एल्कोहल फ्री है, पैराबेन फ्री है, नो मिनरल्स ऑयल्स, नो सल्फेट, नो एनिमल टेस्टिंग। जैसा कि गुड वाइब्स के सारे प्रोडक्ट्स में होते हैं वैसा ही इसमें भी है। इन्होंने इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे मेंशन किए हैं। ग्लाइकोल है, ग्लाइकोलिक एसिड है, ग्लिसरीन है और फ्रूट एक्सट्रैक्ट है। और इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो इनका ग्रीन टी है। और इसलिए ये क्लेम करते हैं कि ये जो है टोनर, ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है इसकी। और ये आपकी स्किन को सूथ करेगा, हाइड्रेट करेगा जो पोर्स होते हैं। बेसिकली सारे टोनर का काम यही होता है कि आपके पोर्स के अपीयरेंस को मिनिमाइज़ करना, तो ये भी ऐसा करेगा। आपकी स्किन को रेडिएंट एंड ग्लोइंग बनाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इस बॉटल का इस तरह से कैप है और स्प्रे फॉर्म में आता है। इसे आप चाहो तो फेस वॉश करने के बाद डायरेक्टली अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हो, या फिर किसी कॉटन पे स्प्रे करके उससे अपने स्किन को जो है वाइप टाइप कर सकते हो, या फिर हाथ पे इस तरह से स्प्रे करने के बाद, फेस पे सॉरी, स्प्रे करने के बाद अपने फिंगर के हेल्प से इसे डैब डैब करके थोड़ा सा अब्जॉर्ब होने देना है स्किन में। वैसे ये 2-3 मिनट्स के अंदर ही बहुत ईजली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसे नेचुरली एब्जॉर्ब होने भी दे सकते हैं या फिर इस तरह से डैब डैब कर सकते हो। तो मुझे ये थोड़ा सा प्राइसी लगा है। आप इसके जगह पे रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो, बट स्किन को रिफ़्रेश करता है तो आप इसे ट्राई भी कर सकते हो।